हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट डेलिकेसी। आज बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का फेवरेट आटे की पंजीरी। बहुत इजी है, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेट्स स्टार्ट। कान्हा जी की फेवरेट आटे की पंजीरी प्रसाद की रेसिपी को आप बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। फ्राई पैन में ऐड कर दूंगी मैं देसी घी, एक बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। ऐड कर दूंगी इसमें एक कप गेहूं का आटा। अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना होगा। आटे और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं मखाना ऐड कर रही हूँ, हाफ कप मखाना मैंने ऐड किया है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू, जिसे मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। 10 काजू मैंने ऐड किए। इसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ बादाम, 10 बादाम मैंने इसको भी पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। और ऐड कर रही हूँ अब मैं पिस्ता, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को अलग से पहले घी में फ्राई करके फिर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी कम यूज़ हो इसीलिए मैं आटे के साथ ही इसे रोस्ट कर रही हूँ। लो फ्लेम पर रोस्ट करते करते ये एकदम क्रंची हो जाएंगे। दस मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें गरी, जो मैंने ग्रेट कर लिया है। आप अगर इसे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर रहे हो तो आप दूसरे ड्राई फ्रूट के साथ ही इसे ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट हमें और भी लो फ्लेम में इसे इस तरह रोस्ट करना होगा। अब आटा एकदम अच्छी तरह सिक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे चलाते हुए ऐसे ठंडा करना है, जिससे इसका कलर आटे का कहीं से ज़्यादा या कहीं कम ना रह जाए। ये देखिए मखाने एकदम ऐसे टूट रहे हैं, इसका मतलब है मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। पंजीरी एकदम ठंडी हो गई है, ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब ऐड करूंगी हाफ कप पिसी हुई चीनी, आप चाहें तो बूरा भी यूज कर सकते हैं। फिर एक अच्छा सा मिक्स देना है। पंजीरी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कान्हा जी का फेवरेट तुलसी के पत्ते। अगर आपके पत्ते बड़े बड़े हैं तो आप उन्हें तोड़कर डालिएगा। अब भोग लगाने वाले प्लेट में या कटोरी में हम उसे डाल देंगे। ऊपर से भी हम कुछ तुलसी पत्ते डाल देंगे इसमें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।